सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, मैं हूँ आप सभी का दोस्त श्रेयस और स्वागत है आपका नए व्लॉग में यूट्यूबर रहाटे के। सो गाइस आज है सैटरडे नाइट और मैं आया था वसई के एक रिसोर्ट में, दोस्त था एक जयेश करके, सो उसकी पहचान थी यहाँ पर, सो हम लोग यहाँ पर आए थे चिल आउट करने के लिए और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट लेने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर वो जयेश और जो भूषण दो दोस्त है हमारे, सो वो लोग है थोड़े प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स। अगर आपको भी कोई शूट, प्री वेडिंग शूट या कोई भी शूट करना हो, सो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो या हम लोग आए थे और प्लान तो ऐसे ही बन गया, मतलब अचानक में कि चलो यार लॉन्ग वीकेंड ऐसे जाते हैं। अभी आने के बाद एक्चुअली हुआ ऐसा कि हम लोग आए रिसोर्ट में, सामान रख के फिर गए थे बीच पर। सो बीच पर जाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट चल रहा था, नॉर्मली ट्राई कर रहे थे कि कैसे फ़ोटोज़ आएंगे अच्छे या फिर नहीं। सो वहाँ पर हुआ ऐसा कि जयेश जो यहाँ का ही रहने वाला है, सो उसने हाथ में एक रस्सी जैसा कुछ पकड़ा था, मतलब वो लेके आया। सो हम लोग को तो लगा वो रस्सी है, फिर जब पास जाके देखा तो वो ये चीज़ थी। यहाँ पर जयेश को एक सांप मिला था, ये पानी का सांप, कुटला सांप है जयेश? हाँ पानी पट्टा नहीं था। अच्छा ये पानी वाला सांप है, नॉन वेनमस स्नेक लग रहा है, बट क्लास यार, थोड़ा जूम करना। ये खिलाड़ी, ये वो अपना शेर। ओहो हो, अभी से हम पानी में ही छोड़ देंगे वैसे तो वापस। ओके सो गाइस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तो कुछ 9 o'clock हुआ है, रात को तो इतना लेट सोए थे, कुछ 4:30 बजे तक तो मस्ती चल रही थी, बाद में तो सोते सोते इतना लेट हो गया था कि मतलब 5 तो बज ही गए थे सोते वक्त। और जगह मैंने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग बताऊंगा, बट तो अभी देख लीजिए। मस्त है, अर्ली मॉर्निंग होता तो बहुत और अच्छा व्यू आता है। एक्चुअली रात को बीच पर भी गए थे हम लोग, कुछ 3-3:30 बजे तक बीच पर थे और फिर फ़ोटो वीटो लिया था, फोटोग्राफी हुई थी और फिर उसके बाद घर पे आए उसके बाद, और फिर मस्ती वस्ती चल रहा था। प्रॉपरली मुँह धो के भी वीडियो नहीं बना रहा, वैसे ही उठ के वीडियो बना रहा हूँ। या अभी सबको और उठाना भी है नाश्ता के बाद पूल में जाएंगे। सो या सी यू इन द पूल। गाइस हेलो एवरीवन, और यहाँ पर फिर से बीच पर आए थे, ब्यूटीफुल बीच। मैंने कहा था ना कि यहाँ का बीच बहुत सही है, थोड़ा बीच देखिए, बीच एंजॉय कीजिए।
और हुआ ऐसा है कि अभी तो थक गए लिटरली, मतलब कल से जो है वो पूरा जाग रहे हैं हम लोग और पूरा थक गए हैं। सो या अभी तो फोटोग्राफी तो हो गया ऑलमोस्ट, मुझे भी थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स लेने थे, सो वो भी मैंने लिए तो है और थोड़े बहुत ले देखते अभी। या अभी तो निकलेंगे, ट्रैफिक है बहुत, बजे है कुछ 5 o'clock, एज यू ऑल कैन सी इट्स 5 o'clock ऑलरेडी। और अगर आप यहाँ पर ही रह रहे हो वसई या फिर नज़दीक में विरार वसई साइड और आपको फिशेज लेनी हो, सो आप जयेश को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा। फोटोज़ देख लीजिए, सिनेमैटिक्स तो मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम आईडी है। ओके ओके, सो गाइस इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग एंड नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस, अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ ब्यूटीफुल वीकेंड विच आई हैव स्पेंड विथ माई फ्रेंड्स। I would suggest you to visit this place, बहुत सही जगह है। और अभी ट्रैफिक तो है हाईवे पर, now let's see।